Dear students, welcome back to the online classes of Harabli Senior Secondary School, Kathumba. जैसा कि पता है, इससे पहले वाली वीडियो में, यानी अब तक हमने आपको ये बताया है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कॉमा हटाने के लिए कौन कौन से कनेक्टिव यूज होते हैं, और इसके बाद आज अपन जो बात करने वाले हैं वो प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करने से पहले अपन ये देखेंगे कि प्रोनाउन किस तरीके से होते हैं। तो मैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा था। प्रोनाउन देखिए, इनको इसी तरीके से याद रखना है। ये होता है सब्जेक्टिव केस, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, ये होता है पॉजेसिव, एडजेक्टिव और ये पॉजेसिव प्रोनाउन, और यहां पर होता है रिफ्लेक्सिव केस। तो देखिए, एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का दो सब्जेक्ट है, एक आई और एक दूसरा होता है वी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। इसी तरीके से आई का पजेजिव एडजेक्टिव तो होगा माई और पजेजिव प्रोनाउन होगा माई। इसी तरीके से वी का होगा पजेजिव एडजेक्टिव तो होगा अवर और पजेजिव प्रोनाउन होगा अवर। इसी तरीके से इसका रिफ्लेक्सिव केस होगा माई सेल्फ और अवर सेल्फ। अब देखिए, इनमें और इनमें अंतर क्या है, माई और माइन में अंतर क्या है। सबसे पहले इसको देख लीजिए आप, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में अंतर क्या होता है। देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में ये अंतर है कि ये तो हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ जुड़े हुए होंगे, ये इनका कभी भी अकेले यूज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अपन कहें आई लाइक माय स्कूल, तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है। इसको अकेले को आई लाइक माय ऐसे नहीं कर सकते कभी भी, तो इसलिए ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव प्रोनाउन होता है उसे अपन अकेले यूज कर सकते हैं, जैसे दिस स्कूल इज माइन, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। ये अगर अपन करेंगे दिस स्कूल इज माई, ऐसे अगर अपन करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका अपन ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये है इनका अंतर, इसलिए इन्हें सोचो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये अंतर इनमें बेसिकली होता है और ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है। इसके बाद देखेंगे सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का एक सब्जेक्ट है यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव तो होगा योर और पॉजेसिव प्रोनाउन होगा योर्स, और यहां पर हो जाएगा योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। अब अंतर क्या है, क्या यो यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपन सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं। एक व्यक्ति के लिए अपन कह रहे हैं तो यू कैन डू दिस वर्क योर सेल्फ, तो योर सेल्फ कहेंगे। उसी को बहुत ज्यादा लोगों के लिए अपन कह रहे हैं तो यू कैन डू दिस वर्क योर सेल्फ, ऐसे बोलेंगे भाई। एक अकेले भी, एक के लिए भी तो यू बोलते हैं, यू कैन गो नाउ, एक से कह रहे हैं, सभी लोग बैठे हुए सबसे कह रहे हैं तो यू कैन गो नाउ, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो है इनमें बेसिकली अंतर होता है। इसके बाद देखेंगे अपन थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में अपन देखेंगे तो एक सब्जेक्ट होता है ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, ये दोनों एक से ही है, और यहां होगा हिमसेल्फ।
ये हो जाएगा क्या हिमसेल्फ। इसी तरीके से फिर आता है शी, सी का होता है हर, ये भी हर होता है और ये हो जाता है क्या हर्स। और यहां होता है हर्सेल। इसके बाद है दे, दे का ऑब्जेक्ट देम, दियर, दियर्स और यहां हो जाएगा themselves। इसके बाद है इट, इट ये एक ही होता है इट्स और यहां हो जाएगा क्या इट्सेल्फ। तो ये जो है हमारे, अब ये जो कोई नाम होता है, कोई प्रॉपर नाउन है, कोई नाम है, वो भी किसके अंतर्गत आता है थर्ड पर्सन में, पर ये तो प्रोनाउन है, वो नाउन अलग होता है, तो वो भी किस में आएगा थर्ड पर्सन में आता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गए हमारे प्रोनाउन हो गए। इनको आपको इसी तरीके से याद रखना है केस के हिसाब से, केस के हिसाब से इसलिए याद रखना है क्योंकि प्रोनाउन में परिवर्तन आता है लेकिन केस में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जो जिस केस का प्रोनाउन होता है वो उसी केस के अंतर्गत आता है, इसलिए इनको आपको ऐसे याद रखना है। देखिए पहले फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के दो सब्जेक्ट में आई और वी, आई का ऑब्जेक्ट केस मी, पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, पॉजिटिव प्रोनाउन माइन और रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ। ऐसे वी ऑब्जेक्ट अस, अवर, अवर्स और अवर सेल्फ, यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ या योर सेल्फ, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हर, हर्स, हरसेल्फ, दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ, इट, इट, इट्स, इटसेल्फ। इस तरीके से इनको अपन को इसी क्रम में याद रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि अभी जैसे इसमें एग्जांपल्स आगे आएंगे मैं बताऊंगा, तो क्योंकि उनके केस में परिवर्तन नहीं होता, जो जिस केस का होता है प्रोनाउन में परिवर्तन हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा, लेकिन वो केस जिस रूप में आ रहा है वो उसी में रहेगा, इसलिए इनको इस क्रम में आपको याद रखना है कि कौन से के साथ कौन सा आएगा। तो आपको ये प्रोनाउन का जो चार्ट है वो इसी तरीके से याद रखना है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, पॉजिटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव, ऐसे ऐसे करके इसको याद रख लेना। अब देखिए कैसे परिवर्तन करना है वो आप आगे देखिए। देखिए तो जैसे हमारे जो है ना, मैं बता रहा था आपको नियम नंबर तीन, क्योंकि नियम नंबर पहले में मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ड में परिवर्तन, नियम नंबर दो में बताया था मैंने कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव का यूज, और नियम नंबर तीन प्रोनाउन परिवर्तन नियम, यानी प्रोनाउन में किस किस तरीके से परिवर्तन होता है। तो देखेंगे इसमें जो नियम है, पहला रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलता है। जैसे ही सेड टू मी कॉमा आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसे ये वाक्य है। कैसे बदलेंगे? पहले ये एक परिवर्तन तो यहां पे होना, तो यहां से सेड टू किस में बदलेगा? टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। क्यों बदला सेड टू टोल्ड में? क्योंकि हमने बताया था पहले नंबर का नियम बताया था, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, चाहे साधारण है चाहे नकारात्मक है,
तो सेट विल चेंज इनटू टोल्ड, टोल्ड बदल दिया। उसके बाद कोमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या यूज करेंगे, दूसरा बर्तन यहाँ होता है तो कोमा हटाने के लिए कनेक्टिव हम यहाँ पर दैट यूज करेंगे। और क्यों करेंगे वो मैंने आपको बताया था, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य साधारण है या नकारात्मक है यानी प्रश्नवाचक नहीं है तो कोमा हटाने के लिए कनेक्टिव दैट का यूज करते हैं, इसलिए दैट आ गया यहाँ पर। अब आई बात प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, तो यहाँ पर कौन सा पर्सन दे रखा है, फर्स्ट पर्सन। और मैंने बताया था रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग करके कर्ता के अनुसार बदलता है, तो यहाँ ही दे रखा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। आगे टेंस संबंधी परिवर्तन बताएंगे, वॉज गोइंग टू स्कूल, ये रिपोर्टिंग वर्ब्स वो आएंगे जब टेंस संबंधी परिवर्तन उसमें बताएंगे, ऐसे हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर होता मान लीजिए इस जगह पर ही ना हो करके ये होता है यहाँ पर मोहन सेट टू मी, तो ये तो भी यहाँ पे क्या होता, ही होता, क्योंकि मोहन को भी तो अपन ही कह सकते हैं ना, तो यहाँ पे ही हो होता। लेकिन अगर यहाँ पर राधा होती, गीता मेरा कुछ भी लड़की होती, तो यहाँ पर अपन क्या करते, फिर ये आई फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार, कर्ता राधा है तो राधा लड़की है, तो उसके हिसाब से अपन ये क्या कर देंगे, शी। ये ध्यान रखना है भाई, फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार। अब यहाँ ही दे रखा था तो ही कर दिया, यहाँ मोहन दे रखा था तो भी यहाँ ही कर दिया, क्योंकि मोहन को भी कह सकते हैं। यहाँ राधा दे रखा है, गीता दे रखा होता, मीरा दे रखा होता तो भी यहाँ क्या करते, शी। शी दे रखा होता तो भी क्या करते, शी। ये ध्यान रखना। अभी मैं बता रहा था आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो है ना सब्जेक्ट बदलेगा, लेकिन मतलब केस में परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा उदाहरण देखेंगे, रेखा सेड टू मी कॉमा आई हैव लॉस्ट माय बुक, मान लीजिए ये है, तो कैसे बदलेंगे, रेखा सेड टू बदलेगा किसमें, टोल्ड में। क्यों बदलेगा, क्योंकि आदर्श का वाक्य साधारण है, तो किसमें बदला, टोल्ड में। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या यूज करेंगे यहाँ पे, दैट। क्यों करेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा नहीं है, प्रश्नवाचक साधारण। अब ये फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार, कर्ता यहाँ पर रेखा है, रेखा को क्या कर सकते हैं, सी। ये है जब हेड में, ये अभी टेंस संबंधी परिवर्तन बताएंगे लास्ट। अब यहाँ पर ये भी आ रहा है, तो ये कौन सा पर्सन है, ये है तो फर्स्ट पर्सन ही ना, जब ये फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा तो कर्ता के हिसाब से, तो कर्ता रेखा, रेखा को ही सी कह सकते हैं, लेकिन कौन सा रूप आ रहा है अपना, आई मी माई, ऐसे इसको सी कह सकते हैं, तो सी का सी हर हर, तो क्या आएगा पे, हर आएगा हर। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि केस में परिवर्तन नहीं होगा, ये फर्स्ट पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये इसका भी क्या आ जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हर आ जाएगा, इसलिए कह रहा था, यानी केस में परिवर्तन नहीं होगा, केवल उसके प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। तो फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार तो बदल गया, लेकिन यहां पर आई आ रहा है तो यहां सी आ रहा है तो यहां सी हो जाएगा, लेकिन अब यहां क्या हो रहा है, माई, तो इसका भी तीसरा ही आएगा, आई मी माई, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हर हर, तो यहां पर हर आ जाएगा, इस तरीके से होगा। और दाव देंगे आगे देखेंगे, तो इस तरीके से नियम नंबर एक। नियम नंबर दो देखेंगे, आरएस का सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट यानी कर्म के अनुसार बदलता है, आरएस का सेकंड पर्सन आरवी के यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, कैसे बदलता है देखेंगे। ही सेड टू मी यू कैन नॉट डू दिस वर्क, ये वाक्य
तो कैसे बदलेंगे? ही सेट बदला टोल्ड में मी, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव लगाया दैट। अब यहां पर ये कौन सा पर्सन आया? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? मी, लेकिन यहां तो मी दे रखा है, लेकिन यहां तो केस तो सब्जेक्टिव ही आएगा भाई, इसकी सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव तो आएगा, तो यहाँ यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है, तो मी का भी सब्जेक्टिव केस क्या आएगा यहाँ पे? आई, क्या आएगा? आई। अब आगे का कुड नॉट डू दैट, ये आगे की चेंज है उसके बारे में अपन बताएंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। यानी कहने का अपराय ये है कि ये जो केस है ना, जोन सा केस है, ये बदल तो जाएगा सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन बात ये है केस तो वही रहेगा। अब ये सब्जेक्टिव केस था, तो इसका भी कौन सा केस आया? भाई सब्जेक्टिव केस ही तो आया है, कर्ता कारक ही तो आया है। इस तरीके से माई वाले में जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव था, तो उसका भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आया। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, तो मी के हिसाब से क्या हुआ? आई, आई यू इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ यू सब्जेक्टिव केस है, तो इसका भी क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस ही आएगा। इस तरीके से हो जाएगा। तीसरा आरएस के थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी आरएस में अगर थर्ड पर्सन दे रखा है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन ही रहता है। जैसे देखेंगे राजेश said to me he is going to school, ये वाक्य कैसे बदलेंगे? राजेश said to बदला told में me, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगाया? that। अब यहां पर ही है, ही थर्ड पर्सन है, इसलिए नो चेंज ही कही रह जाएगा। क्या रह जाएगा भाई? ही का ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से ये होगा, तो भी थर्ड पर्सन भी अनचेंजेबल होता है। और इस जगह कोई नाम होता तो भी कोई चेंज नहीं होता। और इस जगह मान लीजिए होता मोहन इज गोइंग टू स्कूल, तो भी यहाँ क्या होता? मोहन ही होता। नाम भी किसमें आता है? थर्ड पर्सन में आता है, यानी प्रॉपर नाम में भी कोई चेंज नहीं होता। इस तरीके से हो जाएगा। अब बात ये आती है, अब कई बार लोग कहते हैं साहब इसका सॉर्ट, अरे इसका सॉर्ट क्या है? सीधा सा आप तो ये देखिए, इतने नियमों को कोई मतलब नहीं, आप तो ये देखिए। आरएस में पहली बात तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आरएस में होगा, आरबी में केवल एक परिवर्तन था जो मैंने बता दिया। आरएस का फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार, सेकंड पर्सन कर्म के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, इसमें क्या है? अब कई बार कहते हैं साहब वो बताओ ऐसे कहते हैं सन 1 2 3 सब्जेक्ट, यानी कि कैसे भी कर लो, उल्टा कर लो, चलो 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन करता सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ऐसे क्या मतलब है? इतनी बड़ी कोई नियम थोड़ी है जो याद ही नहीं हो पा रहा है साहब, या तो बड़ी परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, इतना सा ध्यान रखो कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ग के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। क्या दिक्कत आ रही है? थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज करना ही नहीं, तो इतनी सी बात है। और ये विशेष ध्यान रखो कि केस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो आरएस में जौन सा केस दे रखा है वो आरवी के प्रोनाउन का भी वही केस आएगा,
और दो एक उदाहरण दे देते हैं। आपको ध्यान रखेंगे इन नियमों को, आर एस का फर्स्ट पर्सन आर बी के कर्ता के अनुसार, सेकंड पर्सन कर्म के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये नियम है बस। और देखिए उदाहरण, जैसे देखिए यहाँ पर देखेंगे, he said to me, have you learned your lesson? ये वाक्य बदल लीजिए, तो कैसे बदलेंगे? ही, अब यहाँ पर सेट टू किसमें बदलेगा? आस्क्ड में। क्यों बदलेगा? क्योंकि आरएस का वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक है, इसलिए सेट टू बदलेगा किसमें? आस्क्ड में। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव यहाँ पे क्या यूज करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव के लिए देखना है क्या आरएस का वाक्य प्रश्नवाचक है? है। तो आप तुरंत यहाँ आइए, शुरुआत में आरएस के वाक्य के शुरू में आइए। क्या कोई डब्ल्यूएच वर्ड दे रखा है? नहीं दे रखा, नहीं दे रखा है यानी हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है तो क्या लगा दो? और डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा होता तो क्या लगा देते? डब्ल्यू एच वर्ड। अब मैंने आपको पहले ही बताया था यदि वाक्य प्रश्नवाचक होता है उसको साधारण बदल देते हैं, एडजेक्टिव में बदल देते हैं। तो अब यहाँ पर ये कौन सा केस आ रहा है? फर्स्ट सेकंड पर्सन आ रहा है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मी, और मी के हिसाब से यहाँ पर ये कर्ता है, इसलिए इसका भी कर्ता कारक ही आएगा। तो क्या आएगा? आई, बदल जाएंगे हैंड में। अब ये भी सेकंड पर्सन है, पर्सन तो कौन सा? सेकंड, बदलेगा कर्म के अनुसार ही, तो कर्म यहाँ पे भी है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी इसका। अब लेकिन इसके केस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये योर बदलेगा तो इसके हिसाब से भाई सेकंड पर्सन है, लेकिन इसका भी वही तीसरा रूप आएगा। तो ये योर है, यू यू योर, तो इसका भी तीसरा आएगा, आई मी माई, माई इस तरीके से। आई समझ में? तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इसके केस में परिवर्तन नहीं होता, ये जौन से केस में होता है वो उसका भी वही केस आता है। तो जैसे ये पजेसिव एडजेक्टिव था तो इसका भी पजेसिव एडजेक्टिव ही यहाँ पे आया है, यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में था तो इसका भी सब्जेक्टिव केस आया, जबकि ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन इसका भी क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस। तो मतलब इसके केस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल प्रोनाउन में परिवर्तन आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये बात आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है कि प्रोनाउन में परिवर्तन हो जाता है लेकिन प्रोनाउन के केस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो तीन नियम निकल करके आए, ध्यान देंगे, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ग के कर्ता के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन रुचि, इस तरीके से होता है। पर ध्यान ये रखना कि केस में परिवर्तन नहीं होगा, केवल प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये इसके अंतर्गत हो जाएगा। हमें तो विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, ज्यादा नियम नियम चक्कर नहीं पड़ना है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नोचिन, ये ध्यान रखना है। इस बात के साथ ये जरूर ध्यान रखो कि प्रोनाउन में चेंज तो होगा लेकिन उसके केस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये प्रोनाउन का ये ध्यान रखना है कि प्रोनाउन को उसी क्रम में आपको याद रखना है। कैसे भाई? फर्स्ट पर्सन में आई वी है कर्ता, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, पजेसिव जो ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पजेसिव केस जो होता है माई और माइन होता है, रिफ्लेक्शन किस माई सेल्फ होता है। सेकंड पर्सन आई, आई के बाद में जो दूसरा सब्जेक्ट है वो भी होता है, वी का अवर होता है, अवर होता है, अवर्स होता है, अवर सेल्फ होता है, ऐसे यू होता है, यू योर, योर्स योर सेल्फ होता है। उसके बाद थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन का परिवार बड़ा है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं करते,
ही है, सी है, इट है, दे है, और कोई नाम आता है प्रॉपर नाउन, वो भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही आता है, इसलिए उसमें अपन कोई चेंज नहीं करते। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हमने आपको तीन नियम यहां तक आपको बता दिए, यहां तक हम आपको तीन नियम बता चुके हैं। अब तीन नियम कौन कौन से बताए, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, जो सेड टू टोल्ड में, सेज टू टेल्स में, सी टू टेल में, शर्त यह है कि आरस का वाक्य प्रश्नवाचक नहीं हो, साधारण हो चाहे नकारात्मक हो। उसके बाद कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव के बारे में मैंने बताया था, यदि आरस का वाक्य साधारण या नकारात्मक है तो कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव दैट, और यदि हेल्पिंग वर्ब से वर्ब शुरू होने वाला प्रश्नवाचक है तो इफ या वेदर, और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक है तो उसी डब्ल्यू एच वर्ड को कनेक्टिव लगा देते हैं। और जो तीसरा नियम मैंने प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बताया है, उसमें तीन नियम बताए हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ग के कर्ता के अनुसार, सेकंड पर्सन कर्म के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज होता ही नहीं। इस तरीके से तीन नियम हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। अब जो चौथा नियम हमारा यहाँ पर आने वाला है वो है टेंस या वर्ब परिवर्तन के नियम। तो बड़ा ही साधारण सा नियम है, एक तो बड़ा ही साधारण सा नियम है, यह है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होगा वो पूरा प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा। पूरा प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में। कैसे चेंज होगा वो मैंने हालांकि बताऊंगा, लेकिन मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूं कि पूरा प्रेजेंट पास्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा तो पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ये तो बिल्कुल लीजिए, पूरा प्रेजेंट पास्ट में बदल गया। आपको बताइए भाई, इंडेफिनेट कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ऐसे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अब आई बात पास्ट की, तो पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। विल सेल वर्ड शुड में बदल जाते हैं, कैन कुड में बदल जाता है, मी माइट में बदल जाता है, इस तरीके से उसमें चेंज हो जाते हैं। ये तो बहुत ही इजी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। पर बात यह है कि ये इजी तभी है जब आपको इस बात के बारे में पता हो, आपको टेंसों की नॉलेज हो, आप सेंटेंस को पहचान पाए कि कौन से टेंस से बन रहा है, या अगला वाला टेंस यानी कि जो टेंस बदल रहे हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, उसके साथ क्या वर्ब आएंगे। इस तरीके का अगर आपको पता होगा तब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जब तो बड़ा इजी है। ये लो साहब, मैंने बताया था जैसे अभी वाक्य बोला था, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में है, आई एम गोइंग टू स्कूल, अभी बोला था, तो कैसे बना देंगे बड़े आराम से। तो ही सेट टू बदल गया किसमें, टोल्ड में, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगा दिया, दैट फर्स्ट पर्सन करता के अनुसार, करता ही, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ही। अब ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो मैंने बताया पूरा प्रेजेंट किस में बदल जाता है, पास्ट में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में, तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूस की क्या जाएगी, वॉज। अब पास्ट कंटिन्यूस में भी फर्स्ट माइंड आती है, गोइंग टू स्कूल, ये लो सब आराम से बदल गया। ऐसे ही मैंने बोला था, राधा सेड टू मी, आई हैव लॉस्ट माय बुक, कैसे बदलेंगे, राधा सेड टू बदला, टोल्ड में, मी, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगाया, दैट, ये फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार, कर्ता राधा है, राधा को सी बोल सकते हैं, तो यहां भी क्या जाएगा, शी। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैड, एम वी थर्ड, उसमें भी आती है। ये माई फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार, कर्ता है सी है, तो उसका क्या जाएगा भाई, हर। अगर आपको टेंस की नॉलेज है, टेंस को आप पहचान पा रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो बहुत इजी है। लेकिन अगर टेंस, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको टेंसों की नॉलेज नहीं होती है, उसके लिए ये बताना पड़ेगा कि अगर ऐसा दे रखा है तो आप इस तरीके से बदल सकते हो। इसके बारे में, टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन के बारे में डिटेल से अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।